हेलो स्टूडेंट, तो पिछले लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट को कम्प्लीट किया था और इस लेक्चर में हम प्रोटीन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि किसके अंतर्गत है, बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं प्रोटीन। देखो प्रोटीन होती क्या है, अमीनो एसिड से बने बहुलक प्रोटीन कहलाते हैं। क्या? अमीनो एसिड से बने बहुलक प्रोटीन कहलाते हैं। बहुलक क्या होते हैं? जब अमीनो एसिड की बहुत सारी इकाइयाँ आपस में जुड़कर एक अणु बनाएंगी तो उसे हम बहुलक बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, प्रोटीन बोलेंगे। किस प्रकार से ये बहुलक बनाते हैं वो हम अभी आगे समझेंगे। एक बार आप अभी इतना समझिए कि अमीनो एसिड से बने बहुलक क्या कहलाते हैं, प्रोटीन कहलाते हैं। अब प्रोटीन नाम सबसे पहले किसने दिया? तो प्रोटीन नाम सर्वप्रथम ब्रेजिलियस द्वारा 1938 में दिया गया, यानी कि एक वैज्ञानिक हैं ब्रेजिलियस, उनके द्वारा 1938 में प्रोटीन नाम सबसे पहले दिया गया। अब ये प्रोटीन शब्द आया कहाँ से, या फिर हम कहें कि प्रोटीन नाम क्यों दिया गया, तो इसकी भी एक वजह है कि ये प्रोटीन नाम है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा के एक शब्द से लिया गया है जो कि होता है प्रोटियोस। एक शब्द होता है ग्रीक भाषा में प्रोटियोस, उससे लिया गया है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रोटीन नाम ग्रीक भाषा के शब्द प्रोटियोस से लिया गया है। किससे? प्रोटियोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्राथमिक महत्व। यानी कि ये जो प्रोटियोस शब्द है ग्रीक भाषा का, इसका मतलब होता है प्राथमिक महत्व। तो जो प्रोटीन होते हैं वो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक प्राथमिक तत्व होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन शरीर की वृद्धि व अनुसरण के लिए प्रारंभिक आवश्यक तत्व होते हैं, यानी कि इनका प्राथमिक महत्व है, इसलिए इन्हें प्रोटियोस शब्द के आधार पर प्रोटीन कह दिया गया। एक बार फिर से देखते हैं, प्रोटीन नाम ग्रीक शब्द प्रोटियोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्राथमिक महत्व, क्योंकि प्रोटीन शरीर की वृद्धि एवं अनुसरण के लिए अति आवश्यक है। तो क्या हुआ, इनका प्राथमिक महत्व हुआ किसमें? शरीर की वृद्धि व अनुक्षरण में। तो इसलिए इनको प्रोटियोस कहा गया और प्रोटियोस को क्या कह दिया गया, प्रोटीन कह दिया गया। अब जो ये प्रोटीन है वो सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं, चाहे वो कोशिका जंतु कोशिका हो चाहे वो प्राणी कोशिका हो, सभी कोशिकाओं में प्रोटीन पाई जाती है। लेकिन वनस्पतियों की तुलना में जीव जंतुओं में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, यानी कि जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उनमें प्रोटीन की मात्रा वनस्पति कोशिकाओं की तुलना में अधिक होती है। वो ऐलान लिखी हुई है, वनस्पतियों की तुलना में जीव जंतुओं में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। तो ये तो प्रोटीन के बारे में सामान्य जानकारी हुई। अब आगे देखना है प्रोटीन का संगठन, कि प्रोटीन किससे बने होते हैं, कौन कौन से तत्व प्रोटीन में पाए जाते हैं, वो सभी चीज़ें यहाँ पर देखनी है। देखते हैं, जो प्रोटीन का संगठन है उसके लिए जो आवश्यक तत्व हैं वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यानी कि प्रोटीन की संरचना, प्रोटीन के लिए जो आवश्यक तत्व हैं, सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व हैं, वो कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये सभी प्रकार की प्रोटीनों में पाए जाते हैं, जितनी भी प्रोटीन हैं उन सभी में ये पाए जाते हैं। अब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले यौगिक कौन से हो गए? कार्बनिक यौगिक। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें नाइट्रोजन पाया जा रहा है, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें नाइट्रोजन आवश्यक रूप से पाया जा रहा है, वो प्रोटीन हो सकते हैं। तो देखिए, प्रोटीन में आवश्यक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होते हैं। सभी प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, यानी कि जितनी भी प्रोटीन है वो सभी कैसी हैं? नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक हैं। कार्बनिक यौगिक बोल दिया हमने तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ गया, और आवश्यक क्या है? नाइट्रोजन भी है। तो इसको हमने ऐसे बोल दिया कि सभी प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त, क्या? नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक हैं। अधिकांश जो प्रोटीन होती है उनमें सल्फर भी मिलता है, ज़्यादातर प्रोटीन ऐसी होती है उनमें सल्फर भी एक तत्व के रूप में मिलता है। वो हम देखेंगे कि कौन कौन सी प्रोटीन ऐसी हैं जिनमें सल्फर मिल रहा है। आगे देखते हैं, कुछ प्रोटीन में फॉस्फोरस, यानी कि कुछ प्रोटीन ऐसी हैं जिनमें फॉस्फोरस तथा धातु जैसे आयरन, कॉपर, मैंगनीज व जिंक भी पाए जाते हैं। अब जो प्रोटीन है वो किससे बने होते हैं? हमने कहा था कि प्रोटीन अमीनो एसिड से बने बहुलक होते हैं, तो वही यहाँ पर कहा गया है कि प्रोटीन वास्तव में अमीनो अम्लों से निर्मित पॉलीपेप्टाइड होते हैं।
अब यहाँ पर जो नाम आया है वो पॉलीपेप्टाइड, उस नाम को देखते हैं कि जो पॉलीपेप्टाइड नाम है, ये नाम लिया गया है कि जब एन अमीनो एसिड मिलकर एक बहुलक बनाते हैं जिसे हम प्रोटीन कहेंगे, तो इस प्रोटीन में जो अमीनो एसिड है वो एक बंध के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, उस बंध को बोलते हैं हम पॉलीपेप्टाइड, या उस बंध को बोलेंगे पेप्टाइड बंध। क्या बोलेंगे? पेप्टाइड बंध। अब इन पेप्टाइड बंधों की संख्या एक से अधिक है इसलिए इनको हम पॉलीपेप्टाइड बंध कहते हैं, तो इनको हम पॉलीपेप्टाइड संरचना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड संरचना, क्योंकि इनमें पेप्टाइड बंधों की संख्या एक से अधिक होती है। अभी हम आगे समझेंगे, जब हम प्रोटीन की संरचना समझेंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि पॉलीपेप्टाइड बंध किस प्रकार का होता है। अभी आपको इतना याद रखना है कि प्रोटीन वास्तव में अमीनो अम्लों से निर्मित पॉलीपेप्टाइड होते हैं जिनका उच्च अणुभार लगभग 10,000 डाल्टन होता है, यानी कि इनका जो अणुभार है वो लगभग 10,000 है। अब सभी जो प्रोटीन हैं वो 20 अमीनो एसिड से बने होते हैं। जितने भी प्रोटीन हैं वो किससे बने होते हैं? वो 20 अमीनो एसिड से बने होते हैं। वैसे तो लगभग प्रकृति में 300 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, लेकिन जो प्रोटीन निर्माण करते हैं वो अमीनो एसिड 20 हैं, यानी कि सभी प्रोटीन 20 अमीनो एसिड से बनी होती हैं। जरूर नहीं कि 20 की 20 से एक नहीं हो, यानी कि जो 20 अमीनो अम्ल हैं वही प्रोटीन का निर्माण करते हैं, बाकी अमीनो अम्ल प्रोटीन का निर्माण नहीं करते हैं। तो हमें देखना होगा कि कौन कौन से अमीनो अम्ल ऐसे हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो अब सबसे पहले तो हमें यही पढ़ना होगा कि अमीनो अम्ल क्या होते हैं। भाई हमारे लिए सारी चीज़ नई है, तो हम सबसे पहले तो ये जानेंगे कि अमीनो अम्ल होते क्या हैं, उसके बाद देखेंगे कि अमीनो अम्ल किस प्रकार से प्रोटीन का निर्माण करते हैं और कौन कौन से अमीनो अम्ल प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि अमीनो अम्ल होते क्या हैं। तो आइए देखते हैं कि अमीनो अम्ल क्या होते हैं। एडिंग डाल रखी हमने अमीनो अम्ल। एक बात और कि आपको जो नोट्स बनाने हैं उसमें आप इनको यहाँ तक ऐसे कैसे बना लीजिए, यहाँ तक कि प्रोटीन की शुरुआत में मेन एडिंग डालनी है प्रोटीन, उसके बाद में प्रोटीन का संगठन सब एडिंग है, इस प्रोटीन के अंतर्गत प्रोटीन का संगठन सब एडिंग है, इसी प्रकार से अमीनो एसिड भी इसके अंतर्गत ही एक सब एडिंग है। हम अब जितनी एडिंग डालेंगे, सब एडिंग डालेंगे, वो प्रोटीन के अंतर्गत ही आएंगी। तो अब देखते हैं अमीनो अम्ल। अब अमीनो अम्ल क्या होते हैं? वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु में, क्या बोला, वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु में अमीनो NH2 तथा कार्बोक्सिलिक COOH दोनों समूह पाए जाते हैं अमीनो अम्ल कहलाते हैं। आपने अमीनो समूह पढ़ा है और कार्बोक्सिलिक समूह पढ़ा है। अमीनो समूह कैसे होते हैं? अमीनो समूह क्षारीय होते हैं, जबकि कार्बोक्सिलिक समूह कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। तो इस अमीनो अम्ल में कार्बोक्सिलिक जो अम्ल है उसका समूह पाया जाता है और अमीनो का समूह भी पाया जाता है। तो देखते हैं इसका सामान्य सूत्र कुछ इस प्रकार से है, NH2CH इससे एक R जुड़ा हुआ है, इस CH से एक COOH जुड़ा हुआ है। आपको जो ये दिखाई दे रहा है NH2, इधर दिखाई दे रहा है COOH, तो ये जो NH2 है वो कौन सा समूह है? वो अमीनो समूह है। कौन सा समूह है? अमीनो समूह। ये एमिनो समूह है NH2, और ये प्रोटोन ग्राही की तरह व्यवहार करता है, यानी कि यह H+ को एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, इसलिए इसको हमने प्रोटोन ग्राही कहा। अब जो प्रोटोन ग्राही होते हैं उन्हें हम क्षार बोलते हैं। तो ये कैसा समूह है? ये प्रोटोन ग्राही समूह है, यानी कि एक क्षारीय समूह है, और इसका नाम क्या है? अमीनो समूह। तो देख लीजिए, इसके बाद ये आती है मुख्य श्रृंखला कार्बन की, यानी कि ये CH है, इस CH से क्या जुड़ा हुआ है? एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, R। अब ये R एक मेथिल ग्रुप भी हो सकता है, एथिल भी हो सकता है, काफ़ी सारा, कितना बड़ा हो सकता है, ये कार्बन की श्रृंखला होगी। इसके बाद आता है COOH समूह, ये प्रोटोन दाता की तरह व्यवहार करता है, यानी कि यह H+ को बाहर निकालता है। तो हम कहेंगे कि ये प्रोटोन दाता की तरह व्यवहार कर रहा है, इसलिए इसको हम अम्लीय समूह बोलते हैं, और इसका नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक समूह।
क्या नाम हुआ इसका, कार्बोक्सिलिक समूह नाम हुआ। तो इस प्रकार से आपको ये संरचना अपने नोट्स में बनानी है। किसी संरचना, ये एक अमीनो अम्ल का सामान्य सूत्र होता है जो कि आप देख रहे हो। एक बार आप इसे अपनी रजिस्टर में नोट करें। अब इसके बाद हमें देखना होगा कि जो अमीनो अम्ल होते हैं, यानी कि हमने कहा कि प्रोटीन निर्माण के लिए 20 अमीनो अम्ल उत्तरदायी होते हैं, तो ये 20 अमीनो अम्ल कौन कौन से होते हैं, इनके हमें नाम देखने हैं। कौन सा अमीनो अम्ल कौन सी प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, इनमें क्या क्या तत्व पाए जा रहे हैं, वो सभी चीज़ हमें आगे देखनी है, वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।